हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप यू ऑल वेल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मैक्सिकन नूडल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। वैसे भी नूडल सबको पसंद है, तो मैंने सोचा ले आऊँ ये रेसिपी। मुझे भी बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिकन नूडल की रेसिपी, कैसे बनाते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी जिसमें मैंने पानी रख दिया वो बर्न होने के लिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रख देते थोड़ी देर बॉयल होने के लिए एंड इसको मिक्स करते हैं ताकि ऑयल पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला हुआ है और अब मैं इसमें नूडल्स डालूँगी। मैंने ऑयल इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ऑयल डालने से नूडल्स एक दूसरे से चिपकते नहीं है, इससे अच्छे से नूडल थोड़ा अलग अलग रहता है। तो इसे अच्छे से वाटर में डीप करें और इसे हल्के हाथों से चलाएं और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। जब तक हमारा नूडल्स बॉयल होगा तब तक हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो चलिए मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं। मैंने कैरेट लिया हुआ है 1/2 कैरेट, जिसे मैं नाइफ से कट कर लेती हूँ। आप सारी सब्जियों को, जो भी सब्ज़ी आप इसमें डालेंगे, तो उसे थोड़ा मोटा मोटा ही काटना, क्योंकि नूडल्स में अगर आप बारीक सब्ज़ी डालेंगे तो सब्ज़ी तो सारे गल ही जाएंगे। तो इसलिए इस वजह से आप थोड़ा मोटे मोटे ही काटिएगा। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च लिया हुआ, मैंने 1/2 लिया हुआ है। आप इसके बीज निकाल भी सकते हैं या ऐसे भी कट्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा थिक काटा हुआ है। आप इसी तरह सारे वेजिटेबल्स को कट कर ले। अब मैंने कैबेज लिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा कैबेज भी लिया हुआ है। अब इसे भी चॉप कर लेते हैं। एंड मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन लिया हुआ है, जिससे मैं रॉड शेप का कट कर रही हूँ। आप देखिए मैं तिरछे करके नाइफ को कट कर रही हूँ, इससे इसका शेप बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिकन नूडल में जब पड़ेगा तो और अच्छा लगेगा। तो सारे वेजिटेबल्स हमारे कट हो चुके हैं। तो देखिए आप, मैंने गाजर, शिमला मिर्च एंड कैबेज एंड स्प्रिंग अनियन सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। अब मैं देखूँगी मेरा चाउमीन बॉयल हो चुका है नूडल्स। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। आप देखिए बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो मैंने सारे नूडल्स को निकाल लिया हुआ। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और मैंने थोड़ा जीरे के सीड्स डाले, मैंने जीरा डाला हुआ है। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा गोल्डन ब्राउन फ्राई करें एंड देन सारे वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कर दें। मैंने कैबेज ऐड किया, उसके बाद मैं थोड़ा चलाऊँगी, उसके बाद सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर दूँगी। भाभी मिक्स करिए, बट बनाया मैंने ये। अब मैंने गाजर को इसमें ऐड किया हुआ है और स्प्रिंग अनियन, मैंने सारे वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कर दिया। उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले, थोड़ा सा वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए तो देन हम चाउमीन को, नूडल्स को ऐड करेंगे इसमें। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाला, 1/2 टेबल स्पून पहले डाला था, 1/2 टेबल स्पून से कम ही डाला था मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक, अब जितना हम बना रहे हैं नूडल्स उस हिसाब से। तो इसे हल्के हाथों से चलाइए ताकि थोड़ा सा वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। हो गया, तो अब मैं नूडल्स को ऐड कर दूंगी इसमें और इसे अच्छे हाथों से चलाइए, सॉरी हल्के हाथों से चलाइए। अब वेजिटेबल्स को और सारे मसालों को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए नूडल्स के साथ। अब मैं इसमें 1 ढक्कन, इसको बोलते हैं ना 1 कैप, इसमें सोया सॉस डाला हुआ है और मैंने 1 कैप इसमें विनेगर डाला और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमारा मैक्सिकन नूडल तैयार है बनके, बहुत ही अच्छा मैक्सिकन नूडल। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप देखिए बहुत ही डिलीशियस नूडल बना हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा कैसे बनी है और अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैक्सिकन नूडल बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट में बताइए कैसी बनी है रेसिपी। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अफरीदा कुरैशी, ऊपर दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।